आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज हम प्राइम चर्चा में एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही खास मुकाम हासिल किया है, जिनके तेवर ही उनकी राजनीति पटल पर पहचान बनाते हैं और जब जब संगठन ने मौका दिया तब तब इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का उदाहरण पेश किया है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार और प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय जी से। उत्पल राय, जिनका संगम नगरी इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज से गहरा नाता है, ये वो पतित पावनी धरती थी जहां पर उत्पल राय पले बढ़े, शिक्षा ली और अपने व्यक्तित्व को निखारा। उत्पल राय का जन्म मझवारा में जून महीने में सन 1971 में हुआ था। तब भला कौन जानता था कि उत्पल राय का इतना बड़ा नाम और कद होगा। सामान्य परिवार में जन्मे उत्पल राय के पिताजी का समाज में खासा सम्मान था। पिता डॉक्टर राम कमल राय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। बचपन से ही उत्पल राय को पिता का मार्गदर्शन मिला। उत्पल राय के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उत्पल राय ने छात्र संघ राजनीति में अलग छवि स्थापित की। अपने विशिष्ट तेवर की वजह से उत्पल राय की खास पहचान बनी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अलग मुकाम हासिल किया। वर्ष 1994 में छात्र संघ उपाध्यक्ष रहते हुए समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2007 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास विकास परिषद के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। 2012 में मधुबन विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जिसमें 27,000 मत हासिल किए, साथ ही तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। 9 जुलाई 2016 में तत्कालीन मंत्री भारत सरकार मनोज सिन्हा एवं तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पार्टी में अपने अनुभव के दम पर खास जगह बनाई। 2017 में संगठन के निर्देश पर दर्जनों विधानसभाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। में भी संगठन के निर्देश पर प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के लिए और बलिया संसदीय क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह मस्त के लिए अपने अनुभव को साझा किया, साथ ही दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की। फिर संगठन के निर्देश पर बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले में एक महीने प्रवास किया। प्रवास के दौरान राजनीतिक समीकरण दुरुस्त किए, जिसका नतीजा ये निकला कि 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। उत्पल राय है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना माना नाम। विशिष्ट तेवर है उत्पल राय की खास पहचान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है गहरा नाता। छात्र संघ राजनीति में स्थापित की अलग छवि। समाजवादी पार्टी से किया राजनीतिक सफर का आगाज। वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी से मधुबन सीट से लड़ा चुनाव। जून 1971 में हुआ उत्पल राय का जन्म। पिता डॉक्टर राम कमल राय प्राध्यापक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे पिता। पिता डॉक्टर रामकमल राय का मिला मार्गदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अलग मुकाम स्थापित किया। वर्ष 1994 में छात्र संघ उपाध्यक्ष रहते हुए समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2007 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास विकास परिषद के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। 2012 में
मधुबन विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 27,000 मत हासिल किए, साथ ही तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। 9 जुलाई 2016 में तत्कालीन मंत्री भारत सरकार मनोज सिन्हा एवं तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। 2017 में संगठन के निर्देश पर दर्जनों विधानसभाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2019 में भी संगठन के निर्देश पर प्रयागराज संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के लिए, बलिया संसदीय क्षेत्र से माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त के लिए अपने अनुभव को साझा किया, साथ ही दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की। फिर संगठन के निर्देश पर बिहार विधानसभा के चुनाव में बेगूसराय जिले में 1 महीने प्रवास किया। प्रवास के दौरान राजनीतिक समीकरण दुरुस्त किए, जिसका नतीजा ये निकला कि 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। उत्पल राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत में 27 साल हो गए हैं आपको, तो जिस तरह से आपने अपनी युवावस्था से राजनीति की शुरुआत करी है, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से आपका आभार। सियासत में आपको 27 साल हो गए हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? मैं विद्यार्थी जीवन से ही, मेरे पिताजी वहीं हिंदी विभाग के अध्यापक थे, तभी से कुछ मुद्दों को लेके मुझे लगा कि काउंटर पे बच्चे खड़े हैं और वहाँ का क्लर्क है पान खा रहा, गुटखा खा रहा, लड़के लाइन लगा खड़े हैं, तो मैंने पूछा, ये पार्ट वन में था कि भाई आप क्यों खड़े हैं? तो कहने वो बाबू जो हैं गए पान खाने के लिए। तो हमने कहा ये क्या मतलब है? तो वहाँ से एक मेरे अंदर कीड़ा सा राजनीति का हुआ, हमने कहा ये तो गलत काम बाबू कर रहा है। तो मैं वहाँ से वाइस चांसलर के यहाँ घेराव करना, ये घेराव करना, टाइम बाबू करना, तो लड़कों में एक बड़ी लोकप्रियता हुई और मैं सेकेंड ईयर में ही जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और थोड़े से मतों से हार गया था जी। फिर 94 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र का उपाध्यक्ष रहा और एक ऐसा वो चुनाव था कि आपको बताएं तो आप मतलब अजीब सा लगेगा, वो चुनाव ऐसा था कि मुझको किसी अध्यापक ने कहा कि आपका कुछ वोट किसी अध्यापक ने हटा दिया है, आप चुनाव जीते थे, 46 वोट से आपको हराया गया है। मैं बड़ा बेचैन हो गया, मैं तो हार के मान के चला आया था घर पे, लेकिन जब ये पता चला और किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया तो मैंने फिर घेराव किया और मेरे छात्रों में इतनी लोकप्रियता थी, हर वर्ग हर समाज के लड़के जो बेचारे 12 बजे सोए थे, सुबह 6 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा वाइस चांसलर का घर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और कलेक्टर उसमें थे दीपक कोटिया जी, उनका आवाज़, हम लोग सब लोग घेर लिए हज़ारों की संख्या में, यहाँ तक कि WH में लड़कियाँ भी 700-800 की संख्या में आ गई थी। बड़ी अजीबोगरीब 2 दिन तक विश्वविद्यालय एकदम बंद था, फिर निर्णय हुआ कि रिकाउंटिंग होगा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पुनर्मतगणना हुआ, उसमें मैं 260 वोट चुनाव जीता था, ये बड़ा एक ऐतिहासिक रहा। तो वहाँ से एक फिर राजनीति का जो आपने बोला आपने, तो मेरे अंदर जीन आया, कीड़ा आया सामाजिक व्यवस्था को लेकर। तो आपको अपने समर्थकों के ऊपर विश्वास था कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, और जब दोबारा मतगणना की बात हुई तो आपको विश्वास था कि सब सही होंगे, आपको सबका प्यार मिला है, समर्थन मिला होगा? जी, अभूतपूर्व समर्थन, बता तो रहे हैं कि आप उस समय का 94 में कभी पत्रिका या जो पेपर निकालेंगी, मतलब पूरा इलाहाबाद, मतलब विश्वविद्यालय छोड़िए आम जन, बहुत अजीब मतलब स्थिति थी, तभी तो हुआ। आप सोचिए कि विश्वविद्यालय के इतिहास में हमको लगता है कि 100 साल बीत गया था, शताब्दी वर्ष मनाया गया था, लेकिन कभी ये नहीं आया कि किसी ने, किसी छात्र नेता ने ये पुनर्मतगणना कराई हो। किसे मानते हैं अपना राजनीतिक गुरु और राजनीति में आना कैसे हुआ? जब मैं बच्चा था तभी हमारे यहाँ मेरे पिताजी समाजवादी चिंतक थे, सैकड़ों किताब लिखे हैं, उनकी IAS में बच्चे भी पढ़ते हैं हिंदी में, तो एक शुरू से ही समाजवादी चिंतक का पुत्र होने के नाते हमारे घर पर चाहे लोहिया जी हों, चाहे मधुलमय हों, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हों, तमाम लोग लगातार राजनारायण जी पारिवारिक सदस्य रहते, आते जाते थे, उनको देख के मैं अंदर बताया ही कि वो एक कीड़ा आ जाता है, जो विश्वविद्यालय में ही आपको ने बताया, तो ये हुआ।
छात्र राजनीति में कड़े तेवर के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन जब सियासी दलों के साथ जुड़े तो वक्त बदला और साथ ही कुनबा भी बदलता गया। ये परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं 94 जब उपाध्यक्ष हुआ तो उस समय आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इलाहाबाद में आए थे और आके हमको समाजवादी पार्टी का सदस्य बनाए थे, झंडा दिए थे, और वो भी एक ऐतिहासिक, मतलब कभी कभी नेताजी से बात होती है तो वो कहते हैं जो युवाओं का जोश उत्पल राय में देखने को मिला वो इधर कहीं नज़र नहीं आया। मतलब इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूर जाके हम नौजवान छात्रों ने हजारों गाड़ियों काफिलों के साथ उनका स्वागत किया और वहाँ से वो आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आके हमको उन्होंने अपनी सदस्यता दिलवाई थी, समाजवादी पार्टी को कराया था। जी, तो आपका कुनबा बदलता गया ये सवाल था। तो समाजवादी चिंतक का पुत्र था, समाजवादी पार्टी में आया और मैं 97 में मुझे आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने मऊ के मधुबन विधानसभा सीट से, जो उसमें नत्थुपुर था आज मधुबन है, और मुझको आदेश दिया चुनाव लड़ने के लिए। और मुझे लगता है 97 में पूरा पूर्वांचल इलाहाबाद से लेके और गाजीपुर, मऊ तो था ही, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, यहाँ तक के नौजवान, मतलब इतना बड़ा नामांकन 97 में समाजवादी पार्टी के उस पर किसी ने किया नहीं था। और नामांकन करने के बाद हम लोग मिठाई बांट रहे थे घर पे अपने थे मझौरा आवास पे, उसी समय किन्हीं कारणों से मेरा टिकट कट गया। फिर 92 में मुझे टिकट मिल फिर 2002 में मुझे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया गया और मैं समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मेरे खिलाफ़ बहुजन समाजवादी पार्टी से कपिल देव यादव को टिकट मिल गया था, तो थोड़ा दिख ये हुआ कि लोगों का एक भावना आया कि यादव को किसी राष्ट्रीय पार्टी से पहली बार टिकट मिला है, तो बड़ा, चूँकि समाजवादी पार्टी में भी यादव का मतलब होता है, अब बहुजन समाजवादी पार्टी से कपिल देव यादव आ गए थे, उस परिस्थितियों में मैं मात्र 18-19 से चुनाव हारा था। एक शिक्षक और समाजवादी चिंतक परिवार से राजनीतिक सफर शुरू करने के बाद विचारधारा क्यों बदलती गई? मैं आपको बताऊं, आप अध्ययन जब भी करेंगे या जो भी मेरी बातें सुन रहा होगा आपके माध्यम से, जो भी विजय हमारे यूजर सुन रहे होंगे, एक समय ऐसा था कि दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक अग्रज कौन है, हमारे समाजवादी पार्टी में एक नाम आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवाद के परिवारवाद से अलग हटके, जिनके परिवार के बारे में कोई जानता भी नहीं होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद कौन हुआ, वो समाजवादी पार्टी के पूर्वधा थे और भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनका भी सोच एक था कि अंतिम व्यक्ति को अनाज मिले, समाज का अंतिम व्यक्ति प्रसन्न रहे, और यही लोहिया का था, तो दोनों लोगों का विचारधारा एक थी, इसमें कोई अंतर नहीं था। आप पर अवसरवादी होने का आरोप लगता आया है, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ा उस समय ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि 2005 अप्रैल में मेरे पिताजी का निधन हुआ और मेरे पिताजी से आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का ऐसे संबंध थे कि उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब आपको एक घटना बताऊं, इलाहाबाद में एक BHS कॉन्वेंट स्कूल है और आदरणीय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, किन्हीं बात को लेकर मेरे पिताजी उसमें मुख्य वक्ता के रूप में थे, उन्होंने हजारों लोगों के बीच में आदरणीय नेताजी से कहा कि आप समाजवाद से विरक्त हो रहे हैं, लोहिया का समाजवाद ये नहीं था, इस तरह कहने का उनके अंदर साहस था और इस तरह की आदरणीय नेताजी के अंदर भी, मैं इस पे कह रहा हूँ कि पूरी बात उनकी सुनते थे और ये उनकी भी मानता है कि उन्होंने टोका नहीं, पूरी बात सुना, उसे चिंतन मनन करते थे, ऐसे पिता का पुत्र था, रक्त वही था, समाजवादी तेवर बताया भी आपसे। तो 2005 में जब उनका निधन हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार थी समाजवादी पार्टी की, दो दो हेलीकॉप्टर, 20-20, 25-25 मंत्री घर पे, पूरा मऊ जनपद में लग रहा था कि पूरा समाजवाद ही उतर आया है। और उसी के 12-14 महीने बाद चुनाव हुआ, मात्र मैं 2000 से हारा था और मेरा टिकट काट दिया गया और किसी अन्य को दे दिया गया। इससे एक होता है कि अनमेच्योर, जो भी आप समझिए कि गुस्सा, छात्र राजनीति का तेवर, मैंने बात किया, कोई हमसे मिलने नहीं दिया, मैंने बहुत प्रयास किया कि एक बार नेताजी हमसे कह दें और ये है, लेकिन जब उन्होंने एकदम किसी ने मिलने नहीं दिया, पिता का देहांत, जिनके वजह से मैं समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ा था और नेताजी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, उस आक्रोश में मैंने एक
मैसेज दिया उनके एक अरविंद यादव जी रहते थे कि अगर आज नेताजी हमसे नहीं मिलेंगे मैं समाजवादी पार्टी छोड़ दूंगा, और बलिया से लेकर अतरौलिया तक मेरा सब था कि बलिया से लेकर अतरौलिया तक समाजवादी पार्टी को साफ कर दूंगा, और नहीं मिला तो मैंने फिर यही किया। और परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि मायावती जी से भेंट हुई, बहन मायावती जी ने कहा कि आपको मैं लोकसभा लड़ाऊँगी और आप मेरे साथ आ जाइए। गुस्सा आवेश था ही और वहाँ सम्मान मिला नहीं, पिताजी का देहांत हो चुका था जिनके वजह से मैं समाजवादी पार्टी में आया था, तो मैं बहुत बेचैन हो ही गया था। संभवतः आप सोच सकती हैं उस समय के स्थितियों को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, विचलित था। तो मैं मायावती से मिला और आदरणीय मायावती जी ने मुझे वचन दिया 2009 का लोकसभा लड़ाएंगे और आप आइए। और मैं काम किया, 13 सीट उन्होंने दिया, ईश्वर की विडम्बना देखिए वो 13 सीट जीते। और मायावती ने सरकार बनने के बाद मुझे सबसे पहला राजमंत्री का दर्जा दिया और मुझे उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास विकास परिषद का चेयरमैन बनाया और राजमंत्री का दर्जा दिया। मैं काम भी किया तमाम मेरठ यूनिवर्सिटी में तमाम, लेकिन वो दल के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं, फिर सम्मान आड़े आया, फिर मैं हट गया वहाँ से। फिर 2012 के चुनाव में चूँकि हमारी विश्वविद्यालय की गुरु और उस समय तत्कालीन समय में वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी डॉक्टर रीता बुगुणा जोशी, उन्होंने कहा कि तुम आओ मेरे साथ चुनाव लड़ो। मैंने 2012 के चुनाव लड़ा कांग्रेस से और 27,000 वोट पाया, तीसरा मेरा वो था स्थान था। तो परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि मैं थोड़ा वो हुआ। 2016 में 9 जुलाई 2016 को एक हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित बहुत सम्मानित व्यक्ति ने कहा कि आप मानते हो लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय एक थे, तो तुम कहाँ भटक रहे हो, कांग्रेस कहाँ भटक रहे हो, बस आप सीधे आप आओ और आपको हम चुनाव लड़ाएंगे और आप भारतीय जनता पार्टी में रहो। तो मुझे भी लगा कि अब समाजवाद वो नहीं रह गया है, क्योंकि हम तो बहुत नज़दीक से देख रहे थे। तो हमने कहा चलिए, तो मैं ज्वाइन कर लिया। फिर अभी आप कहिएगा कि आप कितने दल बदले, लेकिन आप देखिए कि मैं राज बब्बर हमारे मित्र थे और बहुत दबाव ही डाले और कांग्रेस सपा गठबंधन की मेरी सीट थी 2017 की, लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो मैं नहीं माना और मेरा टिकट भी कटा। दारा सिंह चौहान जी का एक पार्टी ने निर्णय कर लिया, वो आ गए, लेकिन मैं बड़ी तत्परता से बड़ी ताकत साथ उनको जिताया और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत कर गए, उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री रहे। लेकिन अभी वो स्वार्थ में लालच में या जो भी कारण रहा हो चले गए समाजवादी पार्टी में, तो हो सकता है मेरी किस्मत खुल जाए और मुझे। जैसा कि आपने बताया कि आपने कुछ परिस्थितियों की वजह से पार्टियां बदली और विचलित होकर सपा का दामन छोड़ा, लेकिन आपने ये भी बताया कि आप युवावस्था से सपा से काफी प्रेरित रहे थे, तो जब आपने फैसला लिया दूसरी पार्टी में जाने का, आपने कई पार्टियां बदली, तो क्या आपको अपने जीवन में कभी इस बात का अफसोस हुआ कि आप समाजवादी पार्टी की नीतियों से काफी प्रेरित थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कदम नहीं उठाना चाहिए था, या फिर जो आपने फैसले लिए आप उससे आज काफी खुश हैं? मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय बीए पार्ट 1 में जो एक घटना आपको मैंने बताया कि क्या नाम है एक बाबू और विद्यार्थियों के, तो हमारे अंदर तड़पन है व्यवस्था परिवर्तन का। और मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं समाज में राजनीति इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं समाज में जो भारतीय जनता पार्टी की वो है मैनिफेस्टो में है, जो भारतीय जनता पार्टी के जनक में जो लोग थे, जैसे मैंने बताया दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतिम व्यक्ति को चेहरे पर मुस्कान, तो वो मैं कर उस फैसले के तहत मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं सही जगह आया हूँ। मेरा आप ताज्जुब करिएगा, उत्पल मतलब होता है कमल जी। मेरे पिताजी ने नाम रखा उत्पल, लोग कहते थे बंगाली नाम है भूमिहार नाम नहीं है, लेकिन उत्पल का मतलब ही कमल होता है, तो उत्पल का मतलब कमल होता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत सही जगह आया हूँ। और जो आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा थे, जो दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा थे, उसी कमल में मैं हूँ और अंतिम समय तक मैं इसी कमल में रहूँगा, ये मेरी अब प्रतिज्ञा है जी। हर किसी के जीवन में राजनीति की शुरुआत और पहला चुनाव काफी अहम होता है, कोई ऐसी यादगार बात जो आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, बताया मैं आपसे शुरू में ही कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं कुछ वोटों से चुनाव हार गया था, ऐसा अनाउंस हुआ, फिर किसी वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा कि नहीं आपके कुछ मत हटा दिए गए हैं, आप पुनर्मतगणना कराइए तो आप विजयी हैं। तो मैं जब बात रखा तो शायद वो यादव हो
चाहे वो अब मेरे समाज का हो, मेरे समाज का वोट तो उसमें उसके 70-80 मतदाता थे जी। लेकिन करीब 2675 वोट में पाया था, और इस 2675 वोट के लिए कम से कम मुझको लगता है 3-4 हज़ार नौजवान घेर के खड़ा हो गया था कि उत्पल राय का जो कहना है ये होना है। इसमें गलत मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में आज़ादी के बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं था जी। वाइस चांसलर कर रहे थे, ऐसा हुआ नहीं, पहली बार कैसे होगा। तो हमने देखा कि एक अटूट प्रेम था मेरे प्रति और छात्रों के प्रति। उन्होंने कहा कि अगर मेरा लीडर, मेरा नेता उत्पल राय कह रहा था, इसमें आपको क्या दिक्कत है। और हम लोग दो दिन तक पूरा यूनिवर्सिटी धरना, कलेक्टर के यहाँ, कप्तान के यहाँ, वाइस चांसलर की आवाज़, विश्वविद्यालय एक साथ, मतलब चार जगह, ये मतलब हम व्यक्त नहीं कर सकता कि वो उस समय का वो दृश्य कि चारों जगह 500-700 हज़ार यहाँ तक कि WH की लड़कियाँ, आपको बताएं जब मैं जीत के हॉस्टल हॉस्टल घूमते हुए जब WH में जो महिला छात्रावास हमारे वहाँ में पहुँचा, तो हजारों की संख्या में लड़कियाँ एक थाल में, जैसे लग रहा था मैं भारत पाकिस्तान युद्ध जीत के आ रहा हूँ, और उस तरह पूरे थाल में लगा के गुलाबों की पंखुड़ियों से फेंकते हुए, वो अद्भुत दृश्य था। तो वो मेरे जीवन में हमेशा रहता है कि अच्छा काम करेंगे और अच्छे लगन से रहेंगे तो जनता, वो छात्र हो या जनता हो, आपके साथ दिल से रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है जी। जब आप सपा की तरफ से राजनीति में आए और आपने पहला चुनाव लड़ा, तो उस वक्त का समीकरण क्या था? पहला चुनाव तो आप हार गए थे, लेकिन जो आपने बेहतरीन टक्कर दी थी सामने वाले कैंडिडेट को, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आखिर किसको हराया था, कितने मतों से आप हार गए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नहीं, जो सपा से आपने पहला चुनाव लड़ा था, तो सपा से जो आपने पहला चुनाव लड़ा था, तो आप हार तो गए थे, लेकिन जो टक्कर दी थी, कांटे की टक्कर दी थी, वो एक अलग ही खुशी होती है। पहला राजनीतिक चुनाव रहा आपका, तो उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। आपके सामने कौन सा कैंडिडेट था जिसको आपने टक्कर दी? समाजवादी पार्टी के मूल वोट क्या माने जाते हैं? मुसलमान, यादव, वही इंफेक्टर। उस समय तो जबरदस्त था, अब अभी भी देख रहा हूँ उसी तरफ राजनीति जा रही है। तो हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार किसी यादव को टिकट दे दिया था, तो मेरा यादव मतदाता बड़ा दिग्भ्रमित हो गया था कि उसको पहली बार राष्ट्रीय पार्टी से कोई अपना उम्मीदवार मिला है। लेकिन जबरदस्त तब भी मेरे साथ जबरदस्त था, और 1000-2000 चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता है राजनीति में, हार जीत। आपकी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिस कार्य के लिए आप आए वो करते रहिए। तो चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा कुछ शब्द सुनाई देते हैं, जैसे जाति, धर्म, परिवारवाद की राजनीति खासकर, तो इन सब शब्दों पे क्या कहेंगे? मैं इसको एकदम नहीं मानता। मैं खासकर इसलिए नहीं मानता कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा, तो उस समय बताया आपसे ना कि 90-80 बोनाफाइड वोट थे जो दिखाया गया कि मेरे समाज के हैं, और मैं 2675 वोट पाया था। और जब मैं मधुबन से चुनाव लड़ा, तो चाहे 2002 लड़ा, तो वहाँ एक ब्लॉक है फतेहपुर मंडाव ब्लॉक, हमारे यहाँ तीन ब्लॉक है, फतेहपुर मंडाव ब्लॉक है, दोरीघाट ब्लॉक है, बनराव का आधा भाग है। तो फतेहपुर मंडाव ब्लॉक में मुश्किल से अगर कुल जोड़ लिया जाए तो 100-125 मेरे समाज के लोग होंगे उस ब्लॉक में। लेकिन मैं हमेशा उस समय भी 22 वोट पाया था, कांग्रेस से लड़ा, वो कांग्रेस से जो कुल 22 वोट पाई थी पिछले चुनाव में, यानी हमसे जस्ट पहले। और 2012 में जब मैं लड़ा था तो वहाँ से मैं 17 हज़ार कुछ वोट पाया था। तो मैं इसको नहीं मानता, मैं यही मानता हूँ कि जब आप काम करिएगा, जनता से दिल से जुड़े रहिएगा, तो जनता आपके साथ दिल से खड़ी रहेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और मुझको देखने में मिलता है। तो मौजूदा दौर की सियासत के बारे में भी बात करते हैं, तो मौजूदा दौर में जो सियासत चल रही है, जिसमें एक तरफ जिन्ना है, पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व का परचम है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुत्व तो देश समर है ही, लेकिन हमारा एक ऐसा देश है जिसमें आज़ादी के पहले से जाइए या आज़ादी के बाद से आइए, ये देश समतामूलक समाज का देश रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई रहा हो तो वीर अब्दुल हमीद कोई भूल सकता है क्या? वीर अब्दुल हमीद ने, जब उसको पता चला कि 7-7 तोपें पाकिस्तान की आ रही हैं, तो उसने ग्रेनामाइट चार्ट था उस समय, कैसे कैसे उसने तोप बुलाया, किसी के योगदान कम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देश तो हिंदू राष्ट्र है ही, और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, नंबर एक नंबर दो में। तो और यहाँ का जो भी मुसलमान है, मैं वो मान के चलता हूँ, जैसे मैं अपने भाषणों में अक्सर बोलता भी हूँ कि जब देश का बंटवारा हुआ तो जो मुस्लिम यहाँ रहा वो मान के चला कि मैं हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हूँ, और उसके अंदर पूरी भावना रही। अब जब जहाँ तक बात करें आतंकवादियों का, तो आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होता, आतंकवादी तो आतंकवादी होता है।
आप खुद एक छात्र नेता रहे हैं और जितनी देर हमने चर्चा करी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अपने छात्र जीवन के बारे में आपने काफी चर्चा की है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही अभी एक मुद्दा उठ रहा है, राजनीतिक सफर की भी आपने शुरुआत करी है और प्रयागराज में जो तस्वीरें देखने को मिली पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो इसे आप कैसे देखते, क्या ये सही हुआ, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मैं चूंकि छात्र राजनीति से निकला हूँ तो मैं आपको बताऊं कि बातों को समझाने की ज़रूरत होती है। नौजवान छात्र जो तमाम पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको अगर गलत फीडबैक कर दिया जाए, देखिए जैसे वहाँ का कप्तान मैंने देखा क्लिप में, मैं उसमें बाहर था, दिल्ली में था, तो जिस तरह माइक लेकर समझा रहा था और लड़के कितना समझ रहे, ताली पीट रहे थे, वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने गलतियाँ की जो दरवाज़ा तोड़ के बटों से मार के पिटाई वगैरह, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मुझे याद है हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कड़े शब्दों में कहा कि जिन पुलिस वालों ने गलतियाँ की हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ उपद्रवी तत्व होता गया ना, इसमें चुनाव चल रहा है, इसमें जो ये समय है ये बड़ा ही सेंसिटिव समय है, तो कुछ उपद्रवी तत्व छात्रों के बीच में घुसकर और उन्होंने बवाल करके चाहा कि इस तरह का कार्य किया जाए जिससे छात्र नाराज़ हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं। धीरे धीरे सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों में मैसेज चला गया कि जो नीली शर्ट पहना था, जो पीली शर्ट पहना था, जो कर रहा था, ये बाहरी लोग आए थे घुस के छात्रों के बीच में उन्माद फैलाकर एक बड़ा घटना कराने का प्रयास कर रहे थे, जो ईश्वर की कृपा से टल गई। और कुछ पुलिसकर्मी ने जो गलती किया था उसको इसमें दंड मिलना चाहिए। आने वाले चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और आपको जो संगठन द्वारा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है तो वो कैसे निभा रहे हैं? नहीं, इस समय तो मैं खुद तैयारी में हूँ, आपसे ने बताया ना कि मैं मधुबन विधानसभा 2002 में लड़ा, मात्र 1900 से हारा हूँ। 2012 में मैं सेकेंड रनर रहा, 2017 में ऐसी परिस्थिति आई, नहीं तो हमें टिकट मिल रहा था, दारा चौहान आ गए एकाएक, तो उनको दे दिया गया था किन्हीं कारण से, अब वो चले गए हैं, तो मेरा तो रास्ता साफ है। अगर पार्टी ने मुझे आदेश किया तो मैं चुनाव पहले लड़ूंगा और मधुबन विधानसभा में भारी मतलब चुनाव जीत कर काम करूंगा। जी, तो चुनाव तो आप लड़ेंगे ही, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? अपने विधानसभा में क्या डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है? उससे ऊपर है हम लोग बता दे रहे हैं, मैं 97 में पहला नामांकन 97 में किया, आज 2022 का चुनाव है, तो हम तो मधुबन में क्या ज़रूरत है, मधुबन में किस तरह की आवश्यकता है, मधुबन में जैसे आप सोचिए कि एक हमारे यहाँ बहुत ही मतलब हमको लगता है पूर्वांचल के बहुत ही अच्छे शमशान घाटों में एक आता है धोरी घाट का, जिसमें घाघरा जब बढ़ता है सरयू नदी को ठेलता है, कई गाँव जाते हैं, उसमें कैसे ठोकर लगना है वो सब मेरे विचार में है। जैसे एक देवारा स्थान है जहाँ पर लगभग ठोकर की जरूरत है, सैकड़ों गांव वो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मधुबन में मधुबन ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण सब्जी मंडी है जिसमें सड़क पे ही पूरा मजमा लगा रहता है, जहाँ सब्जियाँ बिहार तक जाती हैं, सिवान जिला, छपरा, गोपालगंज, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, तो उसमें एक अत्याधुनिक हमको सब्जी मंडी का जो व्यवस्था क्या उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज टाइप का करना, जिससे किसान अपना सामान रख सके, सड़े ना उसको लाभ मिले, ये सब चीज़ें हम मधुबन के बारे में तो रख रख से भाई इतने दिन हो गया तो वहाँ तैयारी किया, वहाँ तो अभी सिंबल जहाँ हमारा डिक्लेयर हो जाएगा वहाँ एक नया उन्माद आ जाएगा और हमको लगता है कि रिकॉर्ड मदद पूर्वांचल से मैं वहाँ जीतूंगा। मतलब आपकी तैयारी शुरू से ही चल रही है, आपको कुछ स्पेशल तैयारी करनी? नहीं, कोई स्पेशल नहीं, हमारे कोई स्पेशल नहीं, हमारे तो समर्थक बस जान भर जाएंगे, आपका हो गया है तो पता चलेगा कि मैं मऊ में पहुंचूंगा तो हजारों की संख्या में खड़े रहेंगे बॉर्डर पर रिसीव करने के लिए। तो ये वही सीट है जहां से दारा सिंह को 2017 में टिकट दिया गया था बीजेपी से, अब उन्होंने पार्टी बदल ली है और आपको टिकट मिलेगा, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? मतलब इस बार का चुनाव काफी अहम होने वाला है क्योंकि वो सपा में चले गए हैं, आप बीजेपी से टिकट लेंगे तो जनता का समर्थन किसको मिलेगा, दल को देख के मिलेगा या फिर विधायक के चेहरे को देख के मिलेगा? मैं आपको बताया है ना कि चूंकि सारी मेहनत हम लोग जैसे तमाम नौजवानों की थी, वो तो मात्र 18 दिन पहले उनको कहा गया हुआ है, 18 दिन में MLA होकर चले गए, चूँकि चौहान समाज थे उनको मिनिस्टर भी बना दिया गया। आप ये सोचिए कि जरा सा अगर नेता होते और कुछ मधुबन या मऊ जिला के लिए किए होते तो अपनी सीट छोड़ कर भागते क्यों? तो मतलब दारा सिंह ने कोई काम नहीं किया? काम किया होता तो अपनी सीट छोड़ कर भागते क्यों? तो उनको डर था कि उन्होंने काम नहीं किया 5 सालों में तो इस बार उन्हें बदल दिया जाएगा। इसका असर अभी घोसी में उनको सपा ने भेजा, समाजवादी पार्टी उनको घोसी में प्रत्याशी बनाकर भेजा है, हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह लोग कह रहे हैं कि मधुबन में बहुत कमल खिलाए थे अब घोसी में खिलाने आए हैं, उनको तो देखिएगा प्रचार करना उनके लिए बड़ा बदतर होगा, बड़ा मुश्किल होगा, ये हालात है उनके।
अच्छा, जिस तरह से हालत देखने को मिल रही है विधानसभा की, तो आपको क्या कुछ कमियां देखने को मिलती है अपनी विधानसभा की, और अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या कुछ बदलाव करेंगे? मैं आपसे बताया ना कि मेरे चूंकि विद्यार्थी जीवन, मेरे पिताजी की बड़ा इच्छा था, मैं आपसे बताया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेके और अंतिम शिक्षा तो सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ, इलाहाबाद की धरती पर हुआ। लेकिन मेरे पिता की बड़ी इच्छा थी कि 97 की बात बता रहा हूँ, जब सारे लोग चाहते थे मैं इलाहाबाद से चुनाव लड़ूँ, प्रयाग से लड़ूँ, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि एक वो दर्दनाक घटना बताते हैं जो मेरे दिल में रहता है। जो हमारा घर मझवारा था, मझवारा से 10 किलोमीटर के अंतर में इंदारा स्टेशन है, तो मेरे पिताजी वहाँ से पढ़ने जाते थे पैदल, और इंदारा से बीच में एक हाहा नाला था, लेकिन वो बरसात के समय वो एक नदी का काम करता था। तो ये लोग तैर के, खड़ा होकर तैरना सीखे, और कुछ गांव के लोग जो बड़े बड़े पदों पर गए, लेकिन वो पूरा अपना बस्ता ऊपर कपड़ा रख के तैर के पार नाला जाते थे। और फिर एक मऊ में जीवन राम हाई स्कूल था, वहाँ पढ़ने के वहाँ पहुँचते पहुँचते कपड़ा सूख जाता था, फिर ये बदलते थे, ती जाते थे। तो उनका एक इच्छा थी कि तुमको राजनीत करना है तो मऊ जिला में करना है, और मऊ जिला के विकास में अपना योगदान देना है। इसलिए 97 में ही उन्होंने मुझे यहाँ अपनी जो मेरी मातृभूमि है वहाँ भेजा। तो एक हमको लगता है कि मैं क्या कर दूँ, मेरे बस में जो कुछ रहेगा मेरी, मैं मतलब उसको शब्दों में नहीं बोल सकता, वो जो मैं मऊ घोसी या पूरे जिले के लिए करूंगा, ये या पूरे पूर्वांचल के लिए। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आप इस सीट से लड़ना चाहते हैं? पिता की इच्छा, हाँ मेन तो आप सोचिए, एक पिता की इच्छा कि जितना सुंदर, मधुबन का मतलब क्या होता है, मधुबन मतलब कोई एक बाग बगीचा, तो पूरे विधानसभा को चाहते हैं एक बाग बगीचा तरह सजा के रखना, कि प्रदेश में लोग कहें कि एक विधानसभा ऐसी भी है जिसका नाम है मधुबन। ये मेरी सोच है। इस फैसले से तो जनता का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर आप जहाँ पे, आपके पिता चाहते थे कि आप चुनाव लड़े, अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे तो आप जनता के बीच में रहेंगे, उनकी परेशानी सुन पाएंगे, और जनता को भी राहत रहेगी कि अगर कोई सुख दुख होता है तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक आम आदमी जिसका समान सा सही काम है और थानेदार नहीं करता है, तो मुझे बड़ा आत्मा कष्ट होता है। मैं तो थानेदार को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन ये जरूर करता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर एक थाने के तुम इंचार्ज हो, ठीक, आप थाने के इंचार्ज हो, तो आप समझो कि एक संत की तरह भूमिका निर्वहन करो। उस थाने के अंतर्गत अगर 1 लाख की जनता आ रही है, उसको उसका सही काम करोगे तो कम से कम अगले जन्म में तुम कप्तान बन जाओगे। इस तरह समझाता हूँ, उसके समझ में आता है, वो काम करता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को समझा बुझा के ही बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है, और मैं इससे पूरा प्रयास करता हूँ। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कुछ काम करेंगे? यही बताया तो आपसे, पहले तो इस तरह समझाना चाहिए, फिर उस तरह नहीं समझें तो अपने विधानसभा से बाहर, जिले से बाहर, लेना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि आने वाले 10 मार्च को चल सन्यासी मंदिर में गाना बजेगा, क्या कहेंगे इस पर? अरे विपक्ष पहले इस स्थिति में आवे कि वो क्या नाम है ये आपके मौर्या जी, क्या नाम इनका, स्वामी प्रसाद मौर्य को संभाले, उनको संभाले, क्या नाम है जो राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर को संभाले, तब उनके वो ऐसे से लोगों को जोड़ा, पहले उसको संभालने का प्रयास करें। उनका ही बड़ी बुरी हालत है, हमको तो नहीं लगता कि 2 अंक प्राप्त करेंगे, ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। अगर वो 2 अंक प्राप्त कर लें तब आप हमसे कहिएगा, ये हालात है उनके। जिस तरह की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, भगदड़ मची हुई है, जहां टिकट नहीं मिल रहा है किसी को तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है, बीजेपी से भी कई बड़े नेता गए हैं, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कि दल बदलते हुए नजर आए हैं, और इस पर अभी बीजेपी शांत है, तो बीजेपी का कौन सा ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से बीजेपी शांत है, और क्या कुछ करने वाली है आने वाले समय में? देखिए, अब बीजेपी भी बड़ा क्लियर स्टैंड ले रही है, और उस समय कुछ उनको आवश्यकता लगा हमारे वरिष्ठ नेताओं को कि इनको जोड़ लिया जाए, इनको जोड़ लिया जाए, जोड़ लिया जाए, लेकिन जब वो काम कर दिया गया, आप सोचिए कि बनारस में काशी विश्वनाथ का जो दर्शन करने जा रहा है, जो व्यक्ति जा रहा है हिंदू समाज से, जो हिंदू की भावना रखता हो, जिसके अंदर हिंदुत्व की भावना, वो चला जा रहा है, वो किसी जाति का हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे चौहान हो, आ रहा है तो वो एकदम भाजपा में हो जा रहा, पागल हो जा रहा, कह रहा अरे ऐसा अद्भुत जगह ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, वो अपने पिता को ले जा रहा है, अपनी माँ को ले जा रहा है दिखाने के लिए। तो एक परिवर्तन बहुत है, और आप चले जाइए हाईवे पे, मतलब लगता है कि इस तरह रोडों का जाल बिछा हुआ। देखिए फर्स्ट फेज में क्या हुआ, पूरा रोडों का जाल,
अगली पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार पे काम होगा भयानक रूप से, ये हमारा एक लक्ष्य हमारी पार्टी का है। तो उसके बाद फिर कोई, ये हमको लगता है विपक्ष बचेगा ही नहीं। धार्मिक स्थानों का तो बदलाव हुआ है, वो उनका काफी विकास हुआ है, और वो कहते हैं कि जनता के मन में, जनता ने मन बना लिया है कि 22 में बदलाव होगा। तो क्या सत्ता का बदलाव होगा जैसा कि विपक्ष कह रहा है, या फिर विकास से राज्यों का विकास होगा? विकास से राज्यों का विकास होगा। आप सोचिए, मैं अभी तो बता रहा हूँ, किसी भी रोड पे चले जाइए, आप प्रयाग से उठ के चले जाइए गाजीपुर, लोग इतना प्रसन्न हो जा रहे हैं, बता रहे हैं 4 घंटा में हम गाजीपुर पहुंच जा रहे हैं, 3 घंटा 3.5 घंटा में। आप लखनऊ से अभी चले जाइए पूरा आप बलिया तक, पूरा आपको लगेगा कि 3.5-4 घंटे में आप बलिया पहुंच गए। पहले होता है सड़कों सा, किसी भी राज्य किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले जरूरत होती है सहूलता से पहुँचने का। तो वो पहला फेस का काम पूरा पूरा करीब करीब हो गया है, दूसरे फेस में देखिएगा तमाम फैक्ट्रियाँ, तमाम ये लक्ष्य, इतना रोजगार मिलेगा कि नौजवान जय जयकार करेगा। तो चुनाव नजदीक है और तैयारियां भी लगभग सबकी पूरी हो गई है, बड़े बड़े नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। कल मथुरा में अमित शाह आए थे और जेपी नड्डा भी लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी दौरों पर आते हैं, डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है। आपके जिले में, आपके विधानसभा में कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है, ये तो बड़ा ऐसा प्रश्न आपने किया, कोई भी आ सकता है इसमें तो भाई, चूंकि चुनाव है तो कोई भी आ सकता है। मधुबन विधानसभा की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है, समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं जिनका आप निवारण करेंगे? आपसे मैंने बताया कि दोहरी घाट वाला समस्या एक ठोकर की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पे एक जैसे विद्युत सौग्रह लोगों की मांग है वो लगवाना, जैसे देवारा का मैंने बताया ठोकर की समस्या, सैकड़ों गाँव डूब जाते हैं, जैसे सब्जी मंडी जो हमारे यहाँ की कटघरा महलू, एक मधुबन ब्लॉक का महत्वपूर्ण जगह कटघरा, वहाँ पर कटघरा में एक अच्छा जो कोल्ड स्टोरेज और सब्जी बेचने की व्यवस्था कराने की व्यवस्था है, और तमाम चीज़ों को सुदृढ़ करना। मैंने आपसे बताया है ना कि मधुबन मतलब होता है एक सुंदर बाग, तो मैं चाहता हूँ विधानसभा के सड़कों से लेकर हर समस्याओं को एकदम ऐसे बनाया जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में लोग याद करें कि मधुबन एक विधानसभा, ये मेरे मन में भावना रहती है। कहाँ तक कर पाऊँगा, ईश्वर इसमें मुझे शक्ति दे। उत्पल राय जी, आप खुद पढ़े लिखे हैं और युवापन से ही अपनी राजनीति करते आ रहे, युवाओं से काफी जुड़ाव है, तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा, वहाँ तमाम कंपटीशन के कोचिंग है, तो मैं तो पहले अपने विधानसभा में एक चाहूँगा कि ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसमें चाहे बैंकिंग सेवा के लड़के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हों, चाहे तमाम SSC के हों, उनका एक मैं पूरा प्रयास करूंगा एक बढ़िया हब कोचिंग खुलवाना, जिससे जो हमारे विधानसभा के लड़के हैं उनको इतनी दूर ना जाना पड़े, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो हर जगह हैं, लेकिन ये व्यवस्था तो मैं अपने प्रभाव से निवेदन करके उन लोगों को चाहे हफ्ते में 3 दिन ही आवें अपने विधानसभा में उनको पढ़ने की पूरी व्यवस्था करूंगा, पहला। दूसरा, वहाँ पे एक 100 बेड का हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, जिसको तमाम जनता की मांग होती है, अत्याधुनिक 100 बेड का हॉस्पिटल के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, और सारी बातें मैंने आपको बताया ही। जी, जनता सबसे ज्यादा इस वक्त अगर आरोप लगा रही है या फिर परेशान है, वो बेरोजगारी को लेकर है या फिर स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर है, तो इसके लिए तो आपने बता दिया है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, लेकिन जो पलायन देखने को मिलता है रोजगार की तलाश में, जो मजदूर लोग होते हैं वो लगातार पलायन करते हैं, रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे? मैंने अभी आपको पहले ही बताया, फर्स्ट फेज का जो था पहले यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना, वो पूर्णतः हमारी सरकार ने कर डाला है। सेकेंड फेज में सिर्फ रोजगार का ही सबसे बड़ा वो रहेगा, और 5 साल में हमको लगता है कि कहीं बाहर से नौजवान ना आके उत्तर प्रदेश में नौकरी करें, ये हमें पूरा विश्वास है, इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है। महिला सुरक्षा की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में तो काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं खुद को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं अपराध देखने को मिलता है। कड़ाई करने के बाद भी, मुख्यमंत्री द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद भी कहीं ना कहीं अपराध देखने को मिलता है, तो इसमें लगाम लगाने के लिए, खासतौर से अपनी विधानसभा में अपराध को एकदम खत्म करने के लिए क्या कुछ करेंगे? अपराध के लिए सबसे अच्छी जो दुरुस्त व्यवस्था है पुलिस की कार्रवाई है, पुलिसिंग बढ़िया से हो, उनके जो भी अपराधी जिस तरह का हो उसको तुरंत कार्रवाई हो। देखिए, तुरंत कार्रवाई कर देने से बड़े बड़े अपराध खत्म हो जाते हैं। होता क्या, छोटी सी लड़ाई हो
और पुलिस के पास कंप्लेंट गया, पुलिस ने उसको ध्यान से नहीं दिया, तो लड़ाई लाठी डंडे से गोली चलने तक हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई कंप्लेंट है उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे तो 99% अपराध वहीं खत्म हो जाते हैं। जी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चुनावी माहौल है, कोरोना भी है, सावधान रहने की हर कोई चेतावनी दे रहा है, तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पहले तो संदेश यही देंगे जनता को, जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके यूजर सुन रहे हो जाए, कि कोरोना को देखते हुए बहुत सजग मास्क लगाकर निकलें, लेकिन मतदान कतई न भूलें, क्योंकि आप एक स्वस्थ प्रदेश स्वस्थ देश तभी दे सकते हैं जब अपने मतदान का पूरा प्रयोग करें। और मतदान के लिए आपको हर हाल में आना चाहिए, ये नहीं कि शहरों में लोग क्या होता है कि परिवार कहता है अरे मतदान क्या जरूरी है, कोरोना हो जाएगा ये हो जाएगा। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रहा हो, ये मतदान आपके बच्चों तक के लिए होता है, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए होता है। तो अपने मतदान का प्रयोग करें, और एक जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार बनाने जा रही प्रचंड बहुमत से, इसमें अपना योगदान करें और हर तरह से प्रदेश को उन्नत की ओर हमारी सरकार ले जाएगी, यही आपसे प्रार्थना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे उत्पल राय जी, जो कि विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास मुकाम हासिल किया है, जिनके तेवर उनकी राजनीतिक पटल की पहचान बने हैं। जब जब संगठन ने उनको मौका दिया है, तब तब इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, और आशा करते हैं कि जनता उन्हें एक बार फिर अपना प्यार देगी। फिलहाल प्राइम चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।